मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। श्रीमद् भागवत कथा में आज महाराज श्री बांके बिहारी के द्वारा 52 अवतार की कथा सुनाई गई। श्री 1008 श्री दादा सरकार के परम सानिध्य में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक श्रीमती कृष्णा बाथम, संदीप बाथम और अभिषेक बाथम, व्यवस्थापक महाकालेश्वर शिव मंदिर समिति भोपाल है। भागवत कथा में भक्तजन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। मंडी समिति ने सभी भक्तजनों से निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त कर आनंद ले। श्रीमती कृष्णा बाथम ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा करवाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संदीप रश्मि, अभिषेक ममता, यथार्थ आर्थव दानिका समायरा। यहाँ तक कि हमारी भैया, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी चाची, हमारी मामी, सब बिटिया का स्वरूप। मात्र शक्ति ना हो तो संसार की कल्पना करना बड़ा कठिन है। क्यों? सदैव एक बिटिया अपने घर को छोड़ के आती है दूसरे घर में, और अपने घर को छोड़ने के बाद दूसरे घर को अपनाती है कि ये मेरा घर है। तो देवती मैया बोली, महाराज तुम बेटियों का इतना बखान कर रहे हो कि बेटा की जरूरत नहीं है क्या? बोले, नहीं, बेटे की भी पूरी जरूरत है। बेटे की क्यों है? अगर बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, श्राद्ध कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा, पिंडदान क्रिया कैसे होगी? मैं कृष्णा, संसार में पूरा विश्व में ये बड़ी महामारी फैली हुई है और बहुत से लोगों को भगवान और जानकी दर्शन उसी को लेकर के हमारे घर के बच्चों ने विचार किया कि क्यों ना एक भागवत कथा का कथा करवाई जाए। इसलिए हमने पंडित जी को निवेदन किया, फरमान सुना देते ठाकुर जी मेरा ये काम तो उन्होंने आकर के ये कथा प्रारंभ। प्रीति वर्मा है, ये भोपाल में इनकी विगत 10 वर्षों से लगातार कथा हो रही है और मेरे छोटे भाई मथुरा से आए हैं और इनका कथा करने का उद्देश्य धर्म को आगे बढ़ाना और सबको समाज से एकता के साथ बड़े पुण्य वाले बहुत पुण्य प्राप्त होने के बाद इसका आयोजन करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन हेतु माता जी के विचार बहुत से मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि पितृ पक्ष में और कोरोना काल में कई अंतरिक्ष ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जिनका कहना और जिनका सुनना हदकद लगता था। बड़ी कम उम्र में हमारे भी कुछ रिश्तेदार, मेरे कुछ मित्र ऐसे लोग चले गए जिनकी कल्पना करना भी सोचा नहीं जा सकता था, ऐसी कल्पना भी नहीं जा सकती थी। ऐसे लोगों के जाने के बाद हमारे मन में ये विचार पुनः पुनः हो के आ रहा था कि क्यों ना कुछ भगवान के लिए भजन पूजन का कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि जन लाभ हो और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। तत्पुरांत हमारे बुआ जी, उनसे संपर्क हुआ, उनके द्वारा ये सूचना मिली कि भागवत कथा का आयोजन उन्होंने भी करवाया था। इस हेतु उन्होंने हमें जो विचार हमारे पास प्रकट किया उससे हम सहमत हुए एवं तदुपरांत हमने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का विचार किया और ये आपके सामने आज क्या आयोजन है विशेष। आज 52 अवतार का वर्णन किया जा रहा है। मैं पंडित जी जो कथावाचक हैं बांके बिहारी जी, ये वृंदावन से पधारे हैं। उनकी मंडली में करीब 8 लोग सदस्य हैं और आज 52 अवतार होगा और कल जो है कृष्ण अवतार।